लोगों ने देखा होगा, सुना भी होगा कि ऐसे बहुत सारे इंसान हैं, इवन सक्सेसफुल पर्सन, जो पहले इस्लाम से परे थे, कुरान को नकारते थे, उसके बाद व्हेन दे स्टडी द इस्लाम, दे कम क्लोज टू दी इस्लाम, उसके बाद इस्लाम भी कबूल कर लिया। राइट, इंसान की फितरत में होता है, अल्लाह सुब्हान व तआला ने हमें ऐसा ही बनाया है। जब तक हम किसी चीज़ से कन्विंस नहीं होते, हम उसको एक्सेप्ट नहीं करते। अब अगर ऐसे इंसान को आप देखोगे, तो पहले वो अल्लाह के कलाम को नकार रहा था, अल्लाह पे यकीन नहीं कर रहा था, लेकिन अब वो अहले ईमान में से। बुरी भली बातें हमारे नबी के बारे में बोली गई हैं और बोली जाएंगी, समझने की जरूरत आपको है, इनको नहीं। ये लोग यहाँ पे मेन मकसद ये है कि ये लोग करते क्यों हैं, ठीक है, और यहाँ पे समझने की बहुत बहुत ज्यादा जरूरत है आपको कि ये लोग ऐसा क्यों करते हैं। ये लोग करते हैं पब्लिसिटी के लिए, मीडिया अटेंशन के लिए, क्योंकि जितना कंट्रोवर्सी होगा उतना इन्हें पैसा मिलेगा। राइट, इन लोगों को क्या फर्क पड़ता है कुरान से, नमाज से, अल्लाह से? इन लोगों को क्या मकसद होता है, इन लोगों को क्या फर्क पड़ता है? इसे पैसे से मतलब रखते हैं, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। इनमें से आपको कुछ ऐसे भी दिख जाएंगे जिनका नाम मुस्लिम है, मुस्लिम मुसलमान में से है, बट इवन उनको सालों हो जाते हैं मस्जिद में जाके अल्लाह के सामने सजदा किया। आप चले प्रोटेस्ट करने ले रहे, गाड़ियां जला रहे हैं, टायर जला रहे हैं, क्या मिलेगा उससे? इससे इससे कौन सी नबी की सुन्नत है? और कुरान ने तो इसका जवाब बहुत आराम से दे दिया है, फला इज उनका कौल हो, आप छोड़ दो उनके उनके हाल पे। एक लॉजिकल सी बात है, एक इंसान जिसको अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, आप बीमार हो या कुछ, तो आप किसके पास जाओगे? डॉक्टर के पास ही जाओगे ना, प्लम्बर के पास तो जाओगे नहीं, ठीक है? आपको कोई मेडिकल एडवाइस चाहिए, डॉक्टर से ही लोगे। आपने कॉन्ट्रोवर्शियल स्टेटमेंट दे दी, मुझे जब भी शायद ऐसे ही नहीं लग रही, तो बाकी लग रही है, उस पर तो अमल करना पड़ेगा। आपको पता है कि इस पे लोगों का रिएक्शन आएगा, और फिर इनको मीडिया अटेंशन मिलेगा, और फिर एडवर्टाइजमेंट, मार्केटिंग, और फिर इनके पैसे मिलेंगे। ये लोग तो चाहते ही यही है। क्या इनको एक छोटी सी बात नहीं पता होगी कि ये इतनी बड़ी कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट दे देंगे तो लोगों का रिएक्शन क्या होगा? इनको ये पहले से ही पता है, और आप इनको वही दे रहे हो जो ये चाहते हैं। यहाँ पे हमको समझने की जरूरत है, ये माहौल तो कुछ भी नहीं है जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के टाइम पे जो उन्होंने देखा। अल्लाह ने अपना पैगाम नबी से पहले ही कह दिया था कि तुम अपना मैसेज डिलीवर कर दो और सुन लो, इनमें से कुछ है जो यकीन करेंगे, बाकी नहीं करेंगे। यहाँ पे पहली सिंपल सी बात ये आती है कि या तो आप कुरान पे यकीन करते हो या नहीं करते हो, कि ये अल्लाह का पैगाम है या नहीं। अगर आप इस पे यकीन करते हो तो आपको सारी बातें यकीन करनी पड़ेगी, क्योंकि अगर आप यकीन करते हो कि अल्लाह कलाम है, तो फिर इसकी कही हुई एक एक बात अल्लाह की बात है, तो उसको कैसे नकार सकते हो? जितना हम इनको अटेंशन देंगे, ये उतना ज्यादा ये स्ट्रॉन्ग होते जाएंगे। आप तो इनको और कमा के दे रहे हो। हमें कुरान के अकॉर्डिंग ही चलना है, जो हमारे नबी करते थे अलैहि सलातो वसलाम। वला इज़ उनका कौल हुम इन्ना नअलमु मा युसिरुना वमा युलिनुन। ये लोग जो बातें कह रहे हैं, इन पे आपको कोई असर नहीं होना चाहिए। अल्लाह बेहतर जानता है कि इनके मन में क्या है और क्या नहीं। अल्लाह सब कुछ जानता है कि क्या इनको खुद नहीं पता, इनको खुद पता है कि ये बात गलत कह रहे हैं।